गरिमा, फीवर कम हुआ? नहीं भैया, आइस पैक भी लगा कर रखा था पर बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। डोंट वरी बेटा, मैंने तुम्हें टेटनस का इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में फीवर भी कम हो जाए। ये कट लगा कैसे तुम्हें? उनके घर में केक कटिंग नाइफ नहीं था पापा, वो बड़ी छुरी थी उससे काट रही थी तो कट गया। मैंने सुना तेरी ड्रेसिंग अनुभव ने की थी। ड्रेसिंग अनुभव ने की थी? फिर तो मुझे उसे थैंक्स बोलना चाहिए। पापा, आपको तो बस बहाना चाहिए उसे थैंक यू और सॉरी बोलने का। बेटा, अगर कोई गलती करे तो सॉरी बोलना, या कोई मदद करे तो थैंक्स बोलना तो बेसिक मैनर्स है, बेसिक एटिकेट। उसने अपनी मर्जी से ड्रेसिंग नहीं की थी, राम चाचू के कहने पे की थी। ही तो थी ना। I wish ये फीवर शादी का मुहूर्त निकल जाने के बाद ही उतरे। बेटा, तेरा पापा एक डॉक्टर है, तेरी विश पूरी नहीं होने देगा। मिस आकृति सक्सेना, तुम्हारी रिपोर्ट मेरे रिपोर्ट से टैली नहीं हो रही, इसे दोबारा करो। और पिछले 3-4 दिनों से कहाँ गायब हो तुम? I'm sorry सर, मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट काम में बिजी थी। ये काम इम्पोर्टेंट नहीं, तुम्हें पता है मंडे को ये रिपोर्ट जिनीवा इंस्टीट्यूट में सबमिट करनी थी जिसकी डेडलाइन निकल चुकी। क्यों? क्योंकि तुम अपने पर्सनल इम्पोर्टेंट काम में बिजी थी। I'm sorry सर, मैं अभी ये कंप्लीट करके देती हूँ। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि पर्सनल काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मेरे लिए ये जॉब सिर्फ जॉब नहीं है। इसलिए मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि मेरे स्टाफ मेंबर्स के पास इस इंस्टीट्यूट के अलावा भी एक पर्सनल लाइफ है। I love science सर, in fact मैं साइंस की थैंकफुल हूँ जिसकी वजह से मैं आपसे मिली। अब मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अनुभव कुलश्रेष्ठ इज माई सीनियर। साइंस हमारे बीच की वो कड़ी है जो हमेशा हमें जोड़ के रखेगी। साइंस ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम दोनों हमेशा कम्युनिकेट कर सकते हैं। नो, ये हमारे रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है। सीनियर जूनियर वाला रिलेशन। आकृति सक्सेना, तुम्हें साइंटिस्ट नहीं राइटर होना चाहिए। लोग वर्क आवर्स में कॉल क्यों करते हैं समझ नहीं आता। हेलो अनुभव। जी सर। थैंक यू कल गुनगुन को फर्स्ट एड देने के लिए। सर, इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, ये तो मैं पूरे मोहल्ले के लिए करता हूँ। वैसे गुनगुन ठीक है अब? नहीं, ठीक तो नहीं है, काफी हाई फीवर है उसे। ओह, कट की वजह से? नहीं नहीं, कट के लिए तो मैंने टेटनस का इंजेक्शन दे दिया था। अच्छा, एनीवेज मैंने गुनगुन को अभी मेडिसिंस दे दी हैं, होपफुली शाम तक ठीक हो जाएगी। पर जैसे ही मुझे पता चला कि तुमने उसकी ड्रेसिंग की है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मन किया कि तुम्हें थैंक्स बोल दो। सर, इसमें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं होता तो कोई और कर देता। हाँ सर, वैसे मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूँ? हाँ हाँ, श्योर श्योर। ये ले, हल्दी वाला दूध पी ले। गरिमा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने मेडिसिन दे दी हैं। आपकी दवाई जब काम करेगी तब काम करेगी, ले पी ले। मुझे कुछ नहीं पीना है, मुझे कुछ खाना भी नहीं है और मैं दवाई भी नहीं खाने वाली। आप पापा से कौन है? उनके फेवरेट साइंटिस्ट को मेडिसिन खिला दे और इंजेक्शन भी दे बड़ा वाला।
घर में मुझे देर हो रही। अब क्या हुआ, किस बात पे मुंह बुलाया है? क्या जरूरत थी पापा को उस अकड़ू के साथ बात करने की? पता है उसने क्या कहा? कि वो बिजी है, जैसे मेरे पापा वेल है। और हाइट्स देखो उसके एटीट्यूड की। पापा ने उसे कहा कि मुझे बहुत हाई फीवर है, फिर भी उसने बात नहीं की। कमाल है, कहां गुनगुन को अनुभव से बात करना भी पसंद नहीं था, और आज जब उसने बात नहीं की तो इसे बुरा लग रहा है। अरे अनुभव का फोन। हेलो सर, सॉरी आपको इतनी रात को परेशान करने के लिए। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? जी सर, एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहता था कि मैं गुनगुन को देखने आ सकता हूँ क्या? आई मीन उसे बहुत हाई फीवर था तो। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम्हारा अपना घर है, जरूर मिलने आओ। हमें सिखाया है कि अगर कोई बीमार हो तो उसे मिलने जाना चाहिए, तो इसीलिए। हाँ तो बहुत अच्छा सिखाया गया है, और अगर वो बीमार कोई अपना हो तो जरूर मिलने जाना चाहिए। तो मैं आपके घर के बाहर ही हूँ, 5 मिनट में अंदर आता हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ, मैं वेट करता हूँ। आई होप डॉक्टर साहब या पापा की परी इसका गलत मतलब ना निकालें, अब कोई बीमार हो तो विजिट तो करना ही पड़ता है। गरिमा, गरिमा क्या हुआ भैया, इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? गुनगुन सो रही है। अरे बात ही कुछ ऐसी है, तुम सुनोगी तो तुम भी चिल्लाने लग जाओगी। क्या हुआ, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे उसका फोन आना लॉटरी से कम है क्या? अनुभव ने फोन किया? हाँ, और वो यहाँ आना चाहता है गुनगुन को देखने। सच? अनुभव गुनगुन को देखने आ रहा है, वो भी इस वक्त? इसीलिए तो मैं इतना खुश हो रहा हूँ। इसका मतलब है अनुभव के मन में गुनगुन के लिए फिकर है। He cares for her. उसके मन में केयर है। हाँ, और केयर से ज्यादा भी हो सकता है। हमें उन दोनों को अकेले में मिलने देना होगा। क्यों? भैया आपको इतनी सारी डिग्रीज मिली कैसे? अकेली नहीं छोड़ेंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? हाँ बात तो ठीक है, पर लड़ने लगे तो? अब लड़ पड़े तो लड़ पड़े, एक दूसरे के साथ लाइफ गुजारनी है तो एक दूसरे की आदत तो डालनी होगी ना। पर गुनगुन उसके साथ अकेले मिलने को तैयार होगी? उसे पता ही नहीं चलेगा। मैं कोई बहाना करके किचन में चली जाऊंगी। और मैं क्या करूंगा? आप फोन करने के बहाने बाहर चले जाइए। सुन सुन। अरे मैं झूठ नहीं बोल सकता ना गरिमा। भैया। ओके बाबा, कुछ ट्राई करूंगा। वाह। क्या हुआ? मेरा वेट कम हो रहा है, मार्क्स कम हो रहे, पर फीवर कम नहीं हो रहा। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। मैं तेरे लिए ना सूप बना के लाती हूँ, उसे पीते ही बुखार कम हो जाएगा। नहीं, मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। प्लीज डोंट गो। कोई आया है? मैं देख के आती हूँ। अनुभव। नमस्ते आंटी। सर हैं। भैया नहीं होगे तो अंदर नहीं आओगे? कम। वैसे आंटी सॉरी इस वक्त आपको परेशान करने के लिए, मैं बस गुनगुन को देखने आया था। गुनगुन बीमार नहीं होती तो नहीं आते? नहीं ऐसा नहीं है, बस बहुत देर हो गई है ना तो इसलिए। हेलो अनुभव, नाइस टू सी यू। अच्छा हुआ तुम गुनगुन को मिलने आ गए। गरिमा आज हॉस्पिटल से ना मुझे कभी भी फोन आ सकता है, इट्स अ बिजी डे। हे भगवान, जब इन्हें एक्टिंग आती नहीं तो ट्राई क्यों करते हैं? डॉक्टर्स की लाइफ तो तुम जानते हो, कभी भी किसी भी वक्त फोन आ जाता है। इसमें डाउट करने वाली कोई बात नहीं है, सच बात है ये बिल्कुल।
ऐसा भी हो सकता है कि मैं, तुम और गुनगुन अंदर बैठे और मुझे फोन आ जाए, मुझे एकदम जाना पड़ेगा। हाँ हाँ भैया, अनुभव को पता चल गया है कि डॉक्टर्स की लाइफ कैसी होती है ना। तो वही तो समझा रहा हूँ ना, मैं उसको अच्छे से समझा रहा हूँ कि क्या होता है। सर आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं सिर्फ गुनगुन को देखने आया था, थोड़ी देर में चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं जाने को नहीं कह रहा, तो मैं जितनी देर गुनगुन से बात करनी हो तुम बात करो, और जब तुम गुनगुन से बात करोगे तो गरिमा तुम्हारे लिए वो अच्छी वाली धीमी आंच पर आराम से पका के चाय बनाएगी। हाँ आई बेटा, आओ ना अनुभव बेटा, अंदर चलो। चल। अरे मेरा तो फोन आ गया हॉस्पिटल से। अरे मैं कह रहा था ना कि फोन आएगा, तुम बेटा बात करो आराम से, गुनगुन से बात करो। I'll see you. Bye. Come. गुनगुन, बेटा देखो तुम्हें मिलने कौन आया है। लगता है गुनगुन को यहाँ मेरा आना अच्छा नहीं लगा, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे कुछ नहीं है। गुनगुन, अनुभव इतनी रात को सिर्फ तुझे देखने आया है। गुनगुन, बुखार अभी भी है, चल मैं तेरे लिए सूप बनाती हूँ और अनुभव के लिए चाय लेके आती हूँ। ए गुड गर्ल। अनुभव बेटा तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं अभी आती हूँ। तबीयत ठीक है तुम्हारी? सर कह रहे थे बहुत ज्यादा बुखार है। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पूछ रहे हो तो पूछ क्यों रहे हो, जब तुम्हें पापा ने बता दिया है कि मुझे फीवर है। और अगर बता रहे हो तो क्यों बता रहे हो, जब मुझे पता है कि मुझे फीवर है। हमारे घर में कस्टम है, अगर कोई बीमार हो तो उसे देखने जाते हैं। तुम्हारे घर की कस्टम है तो तुम वहां फॉलो करो ना, यहाँ क्यों आए हो? कस्टम ऑफिसर। अरे बुखार सर पे चढ़ गया है क्या? इतना चिढ़ के क्यों बात कर रही हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे आदमी के साथ बात करनी ही नहीं है, जिसके अंदर खून से ज्यादा एटीट्यूड हो। और तुम तो बहुत बिजी थे ना, फिर यहाँ क्यों आए? कमाल हो यार, बीमारी में भी झगड़ा कर रही हो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे झगड़ा करने का शौक है, जैसे मेरे CV में हॉबीज के सामने झगड़ा और लड़ाई लिखा है। नहीं लिखा है तो लिखवा लो, क्योंकि तुम सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हो, देखो अभी भी लड़ झगड़ रही हो। तो मैं क्या करूं, मेरा पाला ही ऐसे आदमी से पड़ा है, सो दिखते ही मुझे गुस्सा आता है। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करो, वरना टेंपर के वजह से टेंपरेचर बढ़ जाएगा। वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम उसकी चिंता मत करो। ने कुछ खाया है? नहीं, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। अब तुम आ गए हो ना, डाट खा लूंगी, शुरू हो जाओ। मैं डांट खाने की बात नहीं। चॉकलेट खाने की बात कर रहा था। तुम मेरे लिए चॉकलेट लाए? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे पहली बार चॉकलेट लाया हूँ। पिछली बार डील साइन करने की खुशी में लाए थे, अब क्यों लाए हो? क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते ना। Formality. हमारे घर में इसे तमीज कहते हैं। और मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ जो किसी के घर केक लेके आते हैं पर उन्हें ऑफर भी नहीं करते। मैं चाहूँ तो इस बात का जवाब दे सकती हूँ, पर लड़ाई करने की मेरे में कोई एनर्जी नहीं। ऐसे कहो ना कि तुम्हारे पास देने के लिए जवाब नहीं। अब तुम मेरे घर पे आई केक लेके, लेकिन मुझे ऑफर तक नहीं किया, और मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट भी लाया हूँ और तुम्हें ऑफर भी कर रहा हूँ। देखो तुम में और मुझ में कितना डिफरेंस है। वो तो होगा ही, मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और मैं इडियट। क्या कहा? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? वापस कहूँ, तुम इडियट हो। मुझे आज तक किसी ने इडियट नहीं कहा। मैंने कहा। तुम पहली हो, तुमसे पहले मुझे किसी ने इडियट नहीं कहा। बोलो थैंक यू।
मैं इडियट नहीं, I'm a PhD. हाँ, PhD ही हो तुम, prehistoric dinosaur. और तुम भी PhD हो, permanently head damaged. PhD तुम हो, मैं नहीं. हाँ वो भी है, मैं PhD हूँ, तुम तो graduate भी नहीं. इतनी बार तो पापा ने भी नहीं सुनाया जितनी बार तुम सुना चुके हो. तो बोलो थैंक यू. लिसन, तुम अगर यहाँ इस बात का गुस्सा निकालने आए हो कि मैंने तुम्हें केक ऑफर नहीं किया था, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ. मैंने तुम्हारी फैमिली को कहा था तुम्हें केक देने के लिए. अच्छा, मुझे तो लगा वो लोग झूठ बोल रहे थे. यही तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, मैं लगता बहुत. वैसे बताओ, तुमने उन्हें क्यों कहा मुझे केक देने के लिए? फॉर्मेलिटी. तो एक काम करो, इसे भी फॉर्मेलिटी समझो और खा लो. वैसे चॉकलेट खाने का मन तो है मेरा, पर अगर मैं खा लूंगी ना तो तुम मुझे और एटीट्यूड दिखाओगे ना कि तुम्हारी लाई हुई चॉकलेट खा ली मैंने. पर ठीक है, तुमने भी मेरा लाया हुआ केक खाया था ना, तो हिसाब बराबर या इवन. रुको, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद. अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन.